हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है, आप यकीन जाने, पॉइजनिंग का केस है, स्लो पॉइजनिंग का केस है, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उनको परसों रात भी एम्बुलेंस गई, वहां पे हम में से किसी को नहीं मालूम हुआ, जेल अथॉरिटीज गई हैं, एम्बुलेंस रात को जा रही है, डॉक्टर जा रहे हैं, चेक हो रहा है, वापस आ रहा है, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा। जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है? मतलब ना कोर्ट पे सुनवाई हो रही है, ना कहीं और हो रहा है, और वो रिजल्ट्स दबाई जा रहे हैं। स्लो पॉइजनिंग का केस, दूसरे एक्सपर्ट्स क्लियरली बता रहे हैं कि उनको पॉइजन दिया गया है, वो शवाहिद सामने आ रहे हैं। इमीडिएट होता तो वो सामने आता, उसको सप्रेस किया जा रहा है। उनको जनाब स्पीकर इमीडिएटली रिलीज उनका होना चाहिए। उनके जो केसेस हैं वो टोटल बोगस केसेस हैं, खत्म हो चुके हैं। हम लोग इन चीजों को कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसको हमारी सारी पार्टी जो है वो कंडेम करती है, हम लोग नहीं टॉलरेट करते हैं। उनके साथ मैं फिर रिपीट करता हूं, शवाहिद आ चुके हैं, स्लो पॉइजन के शवाहिद आ चुके हैं। माने ना माने वो दूसरी बात है, जो कहते हैं कि हम लोग नहीं करते सर, उनको वही चीज दी जाए और वही टेस्ट रिपीट दिए जाए, फिर हम लोग कहते हैं कि फिर हम लोग मानने के लिए तैयार हैं कि वही जो टेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं वो, फिर जो बाकी साथी जो नहीं मानते, जो लोग नहीं मानते, अल्लाह फिर उनको वही रिजल्ट नसीब करें। हम लोग तो यही कहेंगे जनाब स्पीकर, खुदारा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। वो मकसूद चपरासी था, केस लगा, पॉइजन दिया, जो हुआ उसको हार्ट अटैक हो गया। यही वो चीजें हैं जिसकी हम लोग निशानदेही करना चाहते हैं जनाब स्पीकर। खुदारा इन चीजों पे आप नजरसानी करें, और यहां पे हमने इन चीजों पे जोर देना है। मैं फिर आखिर में कहूंगा, और इस हाउस के जरिए जितनी हमारे ऑपोजिशन मेंबर्स हैं, कि बुशरा बीबी का केस अड्याला जेल की अथॉरिटीज को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको हमें एक्सेस चाहिए, शौकत खानम के डॉक्टर्स के जरिए एक्सेस होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल जिस पे हम पे एतबार है उनके जरिए मतलब हमें एक्सेस होनी चाहिए, और वो हम लोग मानेंगे, ना कि जिस तरह गुज़िश्ता दौर में मियां साहब की जो प्लेटलेट्स का काउंट का इशू था, प्लेटलेट्स जो थे वो ठीक थे, फिक्टिशियस रिपोर्ट जो है वो सामने लाई गई थी और उसकी बिना पे उनको लंदन भेजा गया था। इस बिल के हवाले से मैं बात करूंगा कि इसको आप सर इनफॉर्मली ना लें स्पीकर साहब, फॉर्मल प्रोसेस 5 दिन 2 हफ्ते डिले हो जाए, पर फॉर्मल प्रोसेस फाइनेंस एंड रेवेन्यू की कमेटी में जरूर डालें। रिकॉर्डिंग होगी, सही काम होगा, मुख्तलिफ लोगों को बुलाया जाएगा, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, यहां से भी हमारे लीगल साथी मौजूद हैं, उनका इनपुट आ जाएगा, कोई बेहतर चीज आएगी। हम लोग चाहते हैं कि मुल्क के लिए काम किया जाए। हर जगह से यहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग हैं, कॉलीग्स हैं, वो अपने इनपुट दे सकेंगे, बाकी पार्टियों के आएंगे तो प्रॉपर प्रोसेस आएगा। पहली बात तो ये है कि ये मामला सब जुडिस है और अदालती अहकाम के तहत उन्होंने इल्जाम भी आयद किए, और इल्जाम भी काफ़ी हद तक उन इल्जाम में एग्जैजरेट किया गया। उन वहाँ कहा गया कि पॉइजनिंग करवाई गई और मुल्क के मुअक्कर इदारों के सरबराहान को उसमें उंगलियाँ उठाई गईं। सबसे जो इस्लामाबाद का सेटल्ड एक इंस्टीट्यूशन है शिफा, वहाँ से रिपोर्ट्स आई हैं। अब जब रिपोर्ट्स दुरुस्त आ गई हैं तो मेरे ख्याल में इस एहतजाज की गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप अगर अपने मर्जी की रिपोर्ट चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ, शौकत खानम की रिपोर्ट्स तो आप ही ने देनी है और आप ही ने बनानी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर इन्होंने एतराज़ किया, अलशफा में भेजा गया, दूध पानी का पानी, अब उसके बाद क्या रह जाता है? जो लीगल कोर्स है वो अदालत से जाके ले। ये